भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मपुरी वार्ड के अंतर्गत आने वाला यमुना किनारे सिग्नेचर ब्रिज के पास किया सफाई अभियान। आप देख सकते हैं कि लगातार हर जगह पर कूड़ा था, जो आज इस इलाके को पूरा साफ किया जा रहा है। ये इलाका है यमुना किनारे के बना हुआ वन विभाग इलाका है, जहां लोग ब्रह्मपुरी नहीं बल्कि आजू बाजू जितने भी लोग हैं सब यहां सुबह सुबह टहलने आते हैं, मगर उनको गंदगी का सामना करना पड़ता था। रोड पर मलबा था, कीचड़ थी। आज उन सभी को जो पार्षद हैं राजकुमार बल्लन, जो ब्रह्मपुरी वार्ड से आते हैं, उनके साथ निगम के कर्मचारी व सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस सफाई अभियान में शामिल हुए, और जिससे जेसीबी ट्रक और ट्रैक्टर द्वारा यहां से कूड़ा हटाया गया। जहाँ घटा था उसको भरा गया और कुछ जगह बैरिकेड भी लगाए। हम बता दें कि ये घना जंगल है, इसमें जानवर भी रहते हैं, तो जहाँ से ग्रिल टूटी हुई थी तो जेसीबी मशीन द्वारा खट्टे करने के बाद वहाँ ग्रिल मशीन भी लगाई, जिससे कि जो यहाँ घूमने आए तो उसको जानवर कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। आप देख सकते हैं आज सुबह से ही इस जगह पर लगातार वर्क चल रहा है, पूरी सफाई की जा रही है, और ये ब्रह्मपुरी से सिग्नेचर ब्रिज की तरफ आने वाला शॉर्टकट रास्ता भी है, जिससे कि लोग आराम से इस इलाके से होते हुए सिग्नेचर ब्रिज पर जा सकें, और पूरा सफाई किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी टोटल जगह सारे भाजपा कार्यकर्ता निगम के कर्मचारी हैं, जो इस पूरे इलाके को साफ कर रहे हैं, जिससे कि जो गंदगी है उस गंदगी का सामना जो यहाँ पर घूमने आते हैं, जो इधर से निकलते हैं, उनको गंदगी का सामना ना करना पड़े।